कर लेंगे, संडे को सर की मैराथन लगवा देंगे ना, और जरूरत पड़े एक और सब्जेक्ट की लगवा देंगे, पढ़ने आई जी। अब अपना पैसा टीचर को देंगे, उनकी कमाई करवाएंगे, उनसे कहेंगे कि भाई जो पैसा हम ऐड पे बर्बाद करेंगे ना, उससे बढ़िया हम अपने टीचर को अच्छा खिलाएंगे, उनको अच्छी सैलरी देंगे, वो मेहनत से पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर हमें भूख लगेगी ना तो खाना खाने कहाँ जाएंगे, हिलिया पे खा लेंगे कुछ, लेकिन माइंड को मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, जब आपका सिलेक्शन होगा और थोड़ा बहुत पैसा आपको भी और हम लोग को, तो आपको ऐड कैंपेन करना है, बाहर जा करके बच्चों को लेकर आना, एक एक बच्चे को भी तो ला सकते हो ना, जिम्मेदारी आपकी लाने की है, बाकी इज्जत बचाएंगे हमारे टीचर, बाकी हमारे टीचर जो रहेंगे वो रोक लेंगे हमें, आप लोग कि यार एक बार पढ़ के गैप को देखो, और आप लोग खुश हुए ना ऐसे बाकी भी खुश हो जाएंगे। तो कल से क्या करना है, एक दो तीन चार जितने भी लड़के, दो बैठे अच्छा नहीं लगता है, कम कम से कम नौ कन्या होनी चाहिए आपको, ठीक है, नवरात्रि से पहले कितनी होनी चाहिए, और ये रंगूरम भी बड़े होने चाहिए, ये और भरा हुआ चाहिए, टीचर की बात है, इतने टीचर आए हैं वहाँ से, भाई वो भी सर आए, मेरी इंग्लिश में ना आना कोई दिक्कत नहीं, वो भी सर आए, अजीत सर आए, गणेश जी आए ग्रुप से, और अपने आदर सर आए, तो इज्जत की बात है, ये और भरा होना चाहिए, तो एक प्रॉमिस करके ना और भरा होगा, तेज आवाज में यस सर, जो नहीं बोला वो नहीं आएगा क्या, आओगे ना, ऐसे एनर्जी के साथ पढ़ो, भूख लगे वहाँ जाके हमें बोलो सर भूख लगी, हम पर्सनली आपके लिए खाना लेकर आए, हम खुद लेकर आएंगे, आज तो कोई आए नहीं बोल रहे, अभी हम भी भूखे हैं, ठीक है, तो कल से अगर किसी को भूख लगे प्यास लगे हमें बोलो नहीं खाना पानी भिजवाएंगे उसको, लेकिन पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखना चाहिए, आज तक लोगों ने पढ़ाया होगा लेकिन हम आपको क्लास में यहाँ सिखा कर जाएंगे और ये भरोसा लेकर जा रहे हैं। चलो थैंक यू, कम से कम लोग एक एक दो दो पर लेकर आते हैं।